नमस्कार साथियों, आज हम बात कर लेते हैं भाई बहरीन से रिलेटेड। जी हाँ भाई, बहरीन ने भी कुछ नए अपडेट दिए हैं, ख़ास तौर से इंडिया के बारे में। जी हाँ, और भाई जो लोग बता दूं, मैंने एक वीडियो बनाया था कि जिसमें इंडिया से बहरीन, बहरीन से सऊदी जाने वाले थे, अभी उनको बता दूं 24 अप्रैल से उनको भी बैन कर दिया गया है, 24 मई से। जी हाँ, वो भी अभी इंडिया से बहरीन, बहरीन से सऊदी नहीं जा सकते। इसका रीज़न हम डिटेल से हम बात करेंगे कि भाई 24 मई को बहरीन ने किन किन देशों को बैन करके रेड लिस्ट में डाल दिया है, और भी हम डिटेल से बात करेंगे कौन लोग बहरीन जा सकते हैं। तो बहरीन जाने वाले खास तौर से वीडियो को देखते रहिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए भाई, मैं बता दूं, पहले बात कर लेते हैं बहरीन। जी हाँ, एक वीडियो मैंने डाला था, उसमें अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ये करेक्शन आप समझ सकते हैं कि पहले मैंने बताया कि भाई बहरीन से लोग जा रहे हैं सऊदी, लेकिन अभी बहरीन ने बता दूँ 24 मई से इंडिया को रेड लिस्ट में डाल दिया है। जी हाँ, और इसके साथ में चार देशों को औरों को भी डाला है, जिसमें बात करें सबसे पहले पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। जी हाँ, ये जो चार पांच देश हैं इनको सबको रेड लिस्ट में डाल दी। हालांकि देखिए, सऊदी ने पाकिस्तान के लिए फ़्लाइटें ओपन कर दी हैं, नेपाल के लिए भी ओपन कर दी हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात करें पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान को लिए सऊदी ने ओपन फ्लाइट की है, बहरीन ने रेड लिस्ट में डाल के फ्लाइटें बैन कर दी एक तरीके से, तो थोड़ा सा सोच का फ़र्क है। जी हाँ, आगे बात करें भाई, बहरीन में कोरोना की स्थिति कुल मिला के अच्छी है, कंट्रोल में है, कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं है। गल्फ देशों में आपको पता है भाई, दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, सऊदी, कुवैत वगैरह सब एकदम ओके हैं अभी, उनमें वहाँ पे कोई ऐसा कुछ नहीं है। फ्लाइटें सऊदी ने ओपन कर दी, और भी देश ओपन कर रहे हैं, लेकिन इंडिया के लिए फ्लाइटें बैन है। जी हाँ, इसका सीधा सीधा रीज़न है भाई, कोरोना का बूम जो मई में उठा है इंडिया के अंदर, हालात बेकाबू हुए हैं, आपको सबको पता है, इंटरनेशनल मीडिया भी इंडिया में काम करती है, तो उस वजह से स्थिति इंडिया में कोरोना के ख़राब होने की वजह से सब देश डरने लगे आप लोगों से। जी हाँ, कि भाई इंडियन आ गए तो हमें दिक्कत हो सकती है, इस वजह से इंडिया को फ्लाइटों को बैन करके रखा है। जी हाँ, तो बहरीन में फ्लाइट कोरोना की स्थिति अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं, इंडिया में कोरोना की स्थिति खराब होने की वजह से ये प्रॉब्लम आई है। अब हम बात कर लेते हैं बहरीन में कौन लोग जा सकते हैं। जी हाँ, तो बहरीन में बात करें तो बहरीन के नागरिक, लोकल आदमी हैं या फिर रेजिडेंशियल वीज़ा है आपके पास, तो वो लोग बहरीन जा सकते हैं या फिर बहरीन आ सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन यहाँ पे बात करें तो आपके पास PCR टेस्ट रिपोर्ट आपके पास नेगेटिव होनी चाहिए। जी हाँ, और उसके बता दूँ 10 दिन आपको क्वारंटाइन किया जाएगा, बहरीन में आपको क्वारंटाइन रहना पड़ेगा 10 दिनों के लिए। जी हाँ, हालांकि ग्रीन देश हैं, ग्रीन कोरोना अपडेट में, ग्रीन लिस्ट में जो देश हैं उनको क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा, अगर आपके उनके पास में कोविड नेगेटिव रिपोर्ट है और प्लस में आपको टीका, जो कोविड टीका है उसका सर्टिफिकेट, मान्यता प्राप्त होना चाहिए WHO से। जी हाँ, जिसमें आपको पता है इंडिया का कोविशील्ड जो टीका है वो लगवा के जाते हैं, तो वो मान्यता प्राप्त है WHO से, सर्टिफिकेट आपके पास में होता है तो आपको क्वारंटाइन नहीं किया जाता है। बाकी इंडिया के लिए अभी फ़्लाइटें बंद हैं, देखते हैं बहरीन ने, भाई बहरीन की फ़्लाइटें तो चालू ही थी, लेकिन अभी स्थिति में अभी 24 मई से बंद किया है, तो देखते हैं कब तक बंद रहती है। बस ये डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जानकारी के साथ। जय हिंद।